हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट अ बेटर इंग्लिश, वेयर यू लर्न इंग्लिश इन इजी वे। कभी कभी नो या नहीं कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हर बार यस कहना या हाँ कहना हमारे लिए सही नहीं है। तो क्यों ना नो इस तरह से कहा जाए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, हमें भी गिल्टी फील ना हो, और हमें जो काम नहीं करना है उसके लिए हम ना भी कह सकें। तो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं नो कहने के अलग अलग लेकिन पोलाइट तरीके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें। अगर आपको कोई किसी काम को करने के लिए कहता है लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं या आप उस सिचुएशन में नहीं हैं कि आप उस काम को कर पाएँ, तो आप बोल सकती हैं नो थैंक्स, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। नो थैंक्स, आई वोंट बी एबल टू मेक इट, मतलब नहीं धन्यवाद, मैं इसे नहीं कर पाऊँगा। आई विश आई कुड मेक इट वर्क, आई विश आई कुड मेक इट वर्क, मतलब काश मैं यह काम कर पाता, मतलब मेरे पास टाइम होता या मैं उस सिचुएशन में होता कि मैं ये काम कर पाता। इस तरह से जब आप किसी काम के लिए नो बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं कहने का एक और बहुत ही पोलाइट तरीका, आई विश आई वर एबल टू, आई विश आई वर एबल टू, मतलब काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा कर पाता, आई विश आई वर एबल टू। नो कहने का बहुत ही यूनिक और बहुत ही पोलाइट वे, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अ गुड टाइम, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अ गुड टाइम, मतलब दुर्भाग्य से ये अच्छा समय नहीं है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है या कोई भी वजह है लेकिन ये काम करने के लिए अच्छा समय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अ गुड टाइम। अपोलोजाइज बट आई कांट मेक इट, अपोलोजाइज बट आई कांट मेक इट, मतलब क्षमा करें या माफ़ करें लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपने सामने वाले से माफ़ी भी मांग ली और आपने नो भी बोल दिया, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपोलोजाइज बट आई कांट मेक इट। सैडली आई हैव समथिंग एल्स, सैडली आई हैव समथिंग एल्स, मतलब दुख की बात है कि मेरे पास कुछ और है, मतलब मेरे पास कुछ और काम है करने के लिए, मैं बिज़ी हूँ तो मैं आपका काम नहीं कर सकता। सैडली आई हैव समथिंग एल्स। नेक्स्ट वन इज़ आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू, इसका मतलब है मैं चाहता तो हूँ ऐसा करना लेकिन मैं असमर्थ हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू बट आई एम अनेबल टू, सामने वाले को आपने मना भी कर दिया और आपने कहा कि मैं करना भी चाहता हूँ। एक बहुत ही छोटा फ्रेज़ है नो कहने के लिए, नॉट दिस टाइम, नॉट दिस टाइम, ये बहुत ही छोटा सा फ्रेज़ है, आप आसानी से याद कर पाएंगे। इसका मतलब होता है इस बार नहीं, मतलब मैं इस बार नहीं कर पाऊँगा, मे बी नेक्स्ट टाइम। अनफॉर्चुनेटली नॉट, एक और छोटा तरीका नो बोलने का, आपने नहीं भी बोल दिया और आपने ये भी दिखा दिया कि आपको बुरा लग रहा है ऐसा नहीं करके, इसका मतलब है दुर्भाग्य से नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। अनदर शॉर्ट फ्रेज टू से नो, इफ़ ओनली आई कुड, इफ़ ओनली आई कुड, एक और छोटा फ्रेज़ नहीं बोलने के लिए, इसका मतलब होता है काश मैं इसे कर सकता या काश मैं इसे कर पाता। रिग्रेटिवली आई एम नॉट एबल टू, इसका मतलब है अफसोस की बात है मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा और ये मेरे लिए अफसोस की बात है। रिग्रेटिवली आई एम नॉट एबल टू, रिग्रेटिवली का मतलब होता है अफसोस की बात है या दुख की बात है। आई अप्रिशिएट द ऑफ़र बट आई कांट, इसका मतलब है मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। ये आप तब बोल सकते हैं जब आपको कोई किसी चीज़ का ऑफ़र देता है या किसी चीज़ के लिए इनवाइट करता है लेकिन आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट द ऑफ़र बट आई कांट। थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट, जब कोई आपको किसी चीज़ के लिए इनवाइट करता है या कहीं साथ में चलने के लिए कहता है, मतलब कोई ऑफ़र देता है या इन्विटेशन देता है, तो आप ये बोल सकते हैं इसका मतलब होता है मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट। आई एम ऑनर्ड बट कांट,
आई एम ऑनर्ड बट कांट, मतलब मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया या आपने मुझे ये ऑफ़र दिया, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आपने सामने वाले को महसूस करा दिया कि आप उनके ऑफ़र से या उनके इनविटेशन से सम्मानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली, इट मीन्स नहीं धन्यवाद, लेकिन ये प्यारा लगता है, मतलब जो आपने मुझे ऑफ़र दिया है वो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली, आई एम सॉरी आई एम बिज़ी। आपको किसी ने कोई ऑफ़र दिया अपने साथ चलने का, घूमने जाने का, या फिर कोई काम दिया आपको, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई एम बिज़ी। इट मीन्स मुझे खेद है कि मैं व्यस्त हूँ। कुछ और बहुत ही छोटे छोटे तरीके नहीं बोलने के लिए, बहुत ही शॉर्ट फ्रेजेज हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नो बोलने की जगह आप बोल सकते हैं नो वे, सॉरी, बाय नो मीन्स आई शैल नॉट, नॉट लाइकली या नो थैंक्स।